सदू क्या कर रहे हो भैया? लॉलीपॉप्स। इट्स सो मेनी लॉलीपॉप्स, वाओ। ये देखिए, यहाँ पे पूरा एकदम व्हाइट हो गया है। कल रात से ही बारिश हो रही थी हल्की हल्की, फिर उसके बाद स्नो गिरने लगी और स्नो हुई है ये रात भर। और मैं आपको एक और चीज दिखा देती हूँ, ये देखो, ये जो है ना, ये हम लोगों ने फुट रेस्ट टाइप का लिया है। तो अभी इस कमरे में भी एक जना बैठने के लिए हो गया मजे से, देखो ऐसे बैठ सकता है। तो ये देखो ऐसा लुक आ रहा है, और यहाँ से इस तरीके से थोड़ा सा अच्छा सा बैठने के लिए है। लेट के आराम से कंबल ले लो, यहाँ पर आराम से नींद ले सकते हैं। काल दिए, ये हम लोगों ने टीमू से ऑर्डर किया था, ये हम लोग की फ्लाइट में काम आएगा। सो दैट हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है यहाँ पर संडे, और जैसा आपको पता है कि बाहर कल रात स्नो हुई थी, उसकी वजह से इतनी चमक आ रही है सामने से कि मैं पूरी एकदम ऐसी गोरी गोरी लग रही हूँ, पूरा ब्राइटनेस आ रही है पूरे फेस पर। ये पीछे जो दिख रहा है ये सोफा नहीं है, ये हम लोग का कल हम लोग ने बेड फिटिंग कर लिया था। जैसे मैंने आपको बताया कि कल बेड आया था, और देखो होंठ मेरे एकदम ऐसे ड्राई ड्राई हो रहे हैं ना, जब भी इसमें दिख रहा है। थोड़ा सा ना घी लगा लेती हूँ मैं, थोड़ा सा सही हो जाते हैं। तो ये बेड वही है जो हम लोगों ने कल लाके फिट किया है और उसको अच्छे से सेट कर दिया है। टीवी के सामने ये टीवी है, उसके जस्ट सामने यहाँ पर, और सिंगल बेड है आराम से, ताकि फैल के सोने के लिए या बैठ के टीवी इंजॉय करना है, मूवी इंजॉय करना है उसके लिए। और आज संडे, मैं जो बता रही थी कि मैं आज, मेरी मॉर्निंग आज बहुत लेट हुई है, क्योंकि कल रात हम लोग का वीडियो कॉल चल रहा था, मेरी भाई बहन मेरी सारी कजन्स ये लोग सब सारी की सारी ना शॉपिंग करने के लिए गई हुई थी। तो मेरी जो सिस्टर्स वगैरह हैं ये सब शॉपिंग करने के लिए गई हुई थी, तो उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे लगाए रखा। रात में 4 बजे मैं सोई हूँ और तब से वीडियो कॉल चल रहा था, दीदी ये देख लो ये देख लो, क्योंकि मेरी शॉपिंग भी ऑलमोस्ट वही लोग कर रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम बचेगा नहीं इंडिया आके कि मैं देखूं करूं। तो कभी चाहे वो, हाँ बेटा, कभी चाहे वो दिल्ली जाना हो, दिल्ली से शॉपिंग हो, या फिर दिल्ली में जो मेरी सिस्टर है उनको मैं कुछ बोल रही हूँ सामान पिक करने के लिए, कभी अलीगढ़ से ही शॉपिंग हो रही है, तो इस वजह से पहले इसकी बात सुन रही थी। हाँ बेटा, व्हाट यू वांट? ओके, गिव मी टू मिनट्स। ओके, तो ये सारी शॉपिंग चल रही है और वो लोग कभी फोन मिला रहते हैं। अब वहां तो भाई दिन है, वो लोग अपने हिसाब से शॉपिंग कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे रात में फोन कर देते हैं। मेरी नींद इतनी ज्यादा मतलब टूटती है, बहुत ज्यादा ऐसा नींद आता है रात में, तो पूरी नींद नहीं हुई इसीलिए आज मैं 9:30 बजे उठी हूँ। तो मैं अभी आपको ये वाला ना बेड का लुक दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है सामने से हम लोग का। और आज एकादशी है तो फास्ट के लिए सामान लेने के लिए मैं गए हुए हैं। आलू खत्म हो चुका था, साबुदाना वगैरह रखा हुआ है, बट आलू नहीं था, तो मैंने सोचा आलू आप ले आइए नीचे से, फिर मैं कुछ व्रत का खाना बनाती हूँ। कपड़े वगैरह धुल चुके हैं, इतना काम निपटाने के बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, क्योंकि सुबह ऑलरेडी मेरा रिदम थोड़ा सा ना ऐसा, बैटरी थोड़ी सी लो थी, क्योंकि एक एनर्जी सी नहीं मिली ना अच्छे से नींद में भी। हम लोग का बेड, हम लोग का सिंगल बेड हम लोगों ने असेंबल कर लिया ऐसे अच्छे से, और यहाँ पर वो जो कुशन वाले पिलो थे वो लगा दिए। स्वाति रिमोट नहीं दो मुंह में नहीं दो, बैठी हुई नहीं, डर्टी, इट्स सो डर्टी, रुक जाओ। तो ये देखो ऐसा लुक आ रहा है, और यहाँ से इस तरीके से थोड़ा सा अच्छा सा बैठने के लिए है। लेट के आराम से कंबल ले लो, यहाँ पर आराम से नींद ले सकते हैं, और टीवी जस्ट इसके सामने ही है टीवी, तो थोड़ा सा इजी हो गया है। कल हम लोग को ज्यादा देर नहीं लगी। ओके, गिव मी 2 मिनट्स। तो मैं इसको पागल बना रही हूँ। और ये देखो यहाँ से पूरा एक आराम से दो लोग सो सकते हैं ये बैठने, और ये इसके साइड में। और मैं आपको एक और चीज दिखा देती हूँ, ये देखो ये जो है ना, ये हम लोगों ने फुट रेस्ट टाइप का लिया है। इसकी एक तो इसमें से हवा दोनों में भरी हुई थी, एक में से निकाल दिए। ये हम लोगों ने टीमू से ऑर्डर किया था, ये हम लोग की फ्लाइट में काम आएगा, सो दैट, क्योंकि हम लोग का ये फ्लाइट में काम आएगा जैसे पैर रखने के लिए। ये देखो आराम से पैर वैर रख सकते हैं इस पे आराम से, के लिए थोड़ा सा हम लोगों ने ऑर्डर किया है। बहुत सही है ये, अब कितने में आया ये मैं आपको बताऊंगी, तो आप लोग बताइएगा ये वाला बेड कैसा लग रहा है। और इसके साथ में ना हम लोगों ने ये जो कहा है, ये वाला जो लिया है, ये फुटरेस्ट लिया है हम लोगों ने, ऑनलाइन हम लोगों ने मंगाया था टीमू से, और बहुत अच्छे प्राइस पे मिल गया था हम लोग को फुटरेस्ट, ताकि फ्लाइट में थोड़ा सा पैर वैर सीधा करना है, स्वदी को आराम से लेटाना है, तो थोड़ा उसके लेवल पे आ जाएगा, तो हम लोग को ट्रेवल करने में ईजी होगा, इसलिए ऑनलाइन ये सब चीजें मंगा ली थी। और जिस टाइम हम लोगों ने इसको खोल के थोड़ा सा यूज करके भी देखा था कि इसकी हवा वगैरह तो नहीं निकल रही, कितनी देर में इसके अंदर हवा भर जा रही है, कहीं से लीक तो नहीं कर रहा है मतलब हवा कहीं से, लेकिन वो सब अच्छा निकला। अब इसको यूज करेंगे जब हम लोग की फ्लाइट होगी तब। अभी मैं आ गई किचन में, खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। कल रात स्नो हुई थी ना, तो मैं आपको बाहर का लुक जरूर दिखा देती हूँ। सब तरफ एकदम सफेद सफेद हो गया है। ये देखिए, यहाँ पे पूरा एकदम व्हाइट हो गया है। कल रात से ही बारिश हो रही थी हल्की हल्की, फिर उसके बाद स्नो गिरने लगी, और स्नो हुई है ये रात भर, करीबन 11-12 बजे तक तो थी।
ये सुबह हम लोग उठे हैं तो ऐसा नजारा था बाहर का, देखिए कितना सुंदर लगता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ना बहुत लोगों की कमेंट आते हैं मुझे कि दिसंबर टाइम में कितना ठंडा पड़ता है, अभी मैंने आज रीड किया कमेंट, तो दिसंबर में कितना ठंड पड़ती है या कितना स्नोफॉल रहता है, थोड़ा सा स्नो की बाहर कोई वीडियो शूट करो, तो ऐसा हुआ है इस बार दिसंबर में ज्यादा स्नो नहीं गिरी है कैनेडा में जितना पिछली बार थी। पिछली बार तो दिसंबर में स्नो स्टॉर्म्स आए थे इतने खतरनाक कि बहुत मुश्किल हो गया था, इस बार उतनी ठंड नहीं हुई है। इस बार स्नो गिरी है तो मुश्किल से मुश्किल 1-2 सेंटीमीटर की लेवल की, और वो दूसरे तीसरे दिन तक मेल्ट हो जाती है, तो उतनी स्नो नहीं हुई है, बस चलते फिरते थोड़ा सा स्नो, हल्की फुल्की स्नो हुई है, इस बार ठंड पड़ी ही नहीं है। जनवरी का हाल ये है जो अभी मैंने अभी आपको दिखाया, दिसंबर तो ऐसे निकल गया, 1-2 बार बस स्नो हुई थी वो भी बहुत हल्की। तो अगर आपको मेरा स्नो वाला जो हम लोग का व्लॉग है वो पुराना व्लॉग देख सकते हैं, या फिर रिसेंटली मैं जो अभी मैं डेली व्लॉग्स डालती हूँ उनमें कभी कभार थोड़ी बहुत स्नो हुई है तो उसकी मैंने पिक्स और उसके बारे में आपसे शेयर किया है, आप मेरा व्लॉग देख सकते हैं। और अभी कुछ अच्छी वाली, जैसे इंडिया से आने के बाद में मे बी यहाँ तो फरवरी तक रहेगी ठंड, तो अगर ऐसी अच्छी वाली स्नो रहती है तो हम लोग जरूर से जाएंगे बाहर स्नो में खेलने के लिए और अच्छे से फोटोज क्लिक करने के, तब मैं आपको अच्छे से पूरा स्नो का टूर दूंगी यहाँ कैनेडा में कैसा रहता है स्नो, लेकिन बहुत सुंदर हो जाता है। खाने की तैयारी हो रही है और आलू बॉईल करने चढ़ा दिए हैं, और इतना अच्छा धनिया, फ्रेश धनिया आ चुका है धनिया की चटनी के लिए, क्योंकि मुझे व्रत में धनिया की चटनी के साथ पकौड़ी और ये जो नॉर्मल साबूदाना वगैरह रहता है ना मिक्स करके खाने में बड़ा मजा आता है, तो धनिया लेके आ गए थे। इतनी स्नो में बाहर गए हैं, अभी भी पूरा कैसा है मौसम सोना बाहर का, ठंडक है सोना, इतनी नहीं है ना, आपने वो वार्मर पहना था अंदर नहीं ना, तो धीरे धीरे सारा काम भी हो रहा है। कुछ कुछ सामान जो हमें इंडिया से लेकर आना है वो सबका लिस्ट बनाई जा रही है ताकि लास्ट मोमेंट पे कुछ भी ना रह जाए, जितना वेट हम लोग को मिलेगा जितना वेट के हिसाब से सारा लगेज मिलेगा वो सबको पूरा अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, तो लिस्ट बनाने की तैयारी हो रही है। और वैसे भी शादी का माहौल है घर में तो चार चीज़ें वैसे ही भूल जाएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है शादी की शॉपिंग भी होगी तो पहले से पहले लिस्ट बनी रहेगी, तो थोड़ा ईजी है। अभी मैं जिसको नहीं पता है बता देती हूँ, एकादशी में हम लोग पूरा दिन का फास्ट रखते हैं, उसमें फलाहारी खाते हैं, कोई खाना वाना नहीं खाया जाता है, मतलब अनाज वगैरह नहीं लिया जाता है, तो फलाहारी में जैसे साबूदाना हो गया, कुटू हो गया, सिंगाड़ी का आटा हो गया, और कुटू के चावल की खिचड़ी और समा के चावल की खीर, फल वगैरह इस तरीके का खाना रहता है। तो अभी मैंने आलू बॉईल कर लिए पूरे दिन के लिए, साबूदाना में भी डालूंगी, और अभी ड्राई आलू बना के थोड़ा सा रायता रेडी कर दिया है खीरे का, और उसमें सिर्फ और सिर्फ जाता है ये देखो खीरे का रायता है, ये रेडी हो गया है, इसमें काली मिर्च और सेंधा नमक डाल के इसको मिक्स कर दिया, ये बन चुका है आलू फ्राइड करके, इसमें सिर्फ काली मिर्च और सेंधा नमक, ये वाला सेंधा नमक है और काली मिर्च तो मैं दिखाऊंगी, काली मिर्च ये देखो पूरा मिक्स ही करके रखा है, ये गया काली मिर्च का डब्बा, इसको डाला है, और ये गया खीरे का रायता, ये बन चुका है भुने हुए एकदम आलू। ये लीजिए भगवान जी, भोग लगाइए भोग लगाइए भोग लगाइए भोग लगाइए, खाइए टेस्ट करके बताओ, नमक छोना छोना सोना, नमक टेस्ट करके बताओ, दूंगी फिर उस हिसाब से, सॉरी को भी देना है, फिर गर्म है, एक बार नमक टेस्ट कर दो प्लीज, ठीक है चलो। यहाँ पे ये लेटने का फायदा इतना अच्छा है, चाहे जब मर्जी टीवी देख रहे हो या कुछ कर रहे हो लेट जाओ थोड़ी देर आराम कर लो, सोफे पे मैं ऐसे आड़े करके लेटती थी, आवाज कम हो जाओ आवाज कम हो जाओ आवाज कम हो जाओ, चलो थोड़ी सी पिक्चर चला रखी है भाई, संडे है थोड़ा सा कुछ एंटरटेनमेंट हो रहा है, स्वदी सो चुकी है, अभी मैं चाय बनाने के लिए जा रही हूँ, और मैं थोड़ा सा अपना बैग पैकिंग का कुछ कुछ काम कर रहे हैं जो उन्हें समझ आ रहा है, क्योंकि स्वदी सो जाती है ना तभी थोड़ा अच्छे से और जल्दी काम हो पाता है। लाइट जला देती हूँ, पीछे बैग का काम चल रहा है, जा रहे किचन में चाय बनाने के लिए। ये देखो आसमान कितना ज़्यादा नीला नीला हो रहा है एकदम से, देखो यहाँ पे सारा एकदम नीला नीला आसमान हो गया, और अभी बज रहा है यहाँ 5:16, 5:15 हो रहा है, और आसमान एकदम आसमान नीला नीला हो गया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ जो हम लोग के सामने टीवी के आगे जो एक छोटी सी गद्दी रखी हुई थी ना, जो हम लोगों ने बिछा रखी थी जिस पर से स्वदी बैठ के आराम से टीवी देखती थी, वो हम लोगों ने इस रूम में लेकर आ गई है। ये मयंक का सेटअप है, यहाँ पे अपना मयंक ऑफिस करते हैं टेबल चेयर पे, और ये जो चेयर्स है ना ये सारी चेयर हमारे कपड़े सूखने के काम आ रही है, वो एरिया मेरा पूरा घिरा रहता है सारे सॉक्स से। और इधर दिखा देती हूँ, ये देखो ये हम लोगों ने ना छोटा सा एक ये बेंच टाइप बोल लो या एक गद्दी थी हम लोगों को मिली थी
जो कि आपको मैंने बताया था, तो उस पर हम लोगों ने ये वाली रज़ाई जो फाइबर की है वो बिछा देते थे। स्वाती को बैठना होता था, थोड़ा सा कंफर्ट है बीच में ना। मैंने देखो इसको, आपको जिसको नहीं पता उनको बता देती हूँ, ये जो गत्ते का मेरे पास सामान आया था, जो वो सब गत्ते के अंदर गत्ते डाल के टीवी वगैरह का, गद्दे वगैरह का जो बेड का सामान आया था, वो सारा कार्टन है इसके अंदर फिक्स कर दिया है। उसके बाद में ये गद्दी हम लोग को मिल गई थी, तो मैंने कहा इसको और कम्फर्ट करने के लिए और एकदम ओवरऑल एक जैसा करने के लिए इसके ऊपर रज़ाई डाल दी है, ये देखो ऐसे। तो ये कम से कम हम लोग के बैठने का अरेंजमेंट, स्वदी के बैठने का, स्वदी कई बार इस पर आराम से लेट के टीवी देखती थी, तो ये एक बहुत काम दिया हम लोग। तो अभी इस कमरे में भी एक जना बैठने के लिए हो गया मज़े से, देखो ऐसे बैठ सकता है, ऐसे मज़े से यहाँ पर आराम से बैठा जा सकता है, गप्पे मार सकते हैं। जैसे मैं इनको ऑफिस करेंगे तो मैं यहाँ पर बैठ के इनसे गप्पे मार सकती हूँ। सामने मूवी चल रही है, अभी टाइम पास हो रहा है एनिमल मूवी चला के, पता नहीं कैसे सी है लेकिन चला दिया कुछ तो मूवी देखें। 7:50 हो रहा टाइम, खीर चढ़ा दी है मैंने यहाँ पे, कुट्टू के चावल की क्या बोलते हैं खिचड़ी बनाई है और ये गैस साफ होता है, बस ये जल्दी बन जाए खीर, क्योंकि व्रत में ना खीर मुझे बहुत अच्छी लगती है, समा के चावल वाली। और एकदम जैसे मैंने बताया था धनिया आया तो मस्त चटनी बन गई है, देखो इतनी टेस्टी। सिर्फ उसमें मतलब सिर्फ मिर्च की कमी है, हरी मिर्च नहीं थी मेरे पास तो मैंने उसको काली मिर्च से थोड़ा सा बैलेंस किया है, और उसके साथ साथ सेंधा नमक डाल के अदरक डाल के मस्त चटनी बनी है। सदू क्या कर रहे हो भैया? लॉलीपॉप्स। इट्स सो मेनी लॉलीपॉप्स, वाओ। ये बना के लेके आए, डैडी को दे दो। हाँ देख, विच वन यू वॉन्ट, सो मैनी, देखना आप तो सारी की सारी लगा के आ गई है जो ना। कैसे दोगी स्वदी? ब्लैक वन, नो दिस इज नॉट ब्लैक। विच कलर इज दिस? इट्स ब्लैक, नो इट्स रॉन्ग। विच कलर इज दिस? ब्राउन। वेयर इज ब्लैक? No problem. बस इसको ये काम करवा लो, ये स्टिक भी उसी के अंदर थी क्या? हैं? ये क्या है, पेंसिल कलर है, मॉम के कलर है ये भी? बाबा स्वदी, हो गया काम आपका, खाना लेके आऊं? भूख लग रही है ना व्रत में, चलो ठीक है। ये सब समेट के रख देना बाबू, ये वाला बैग भी रख देना, अभी सब समेटना, आपने पैकिंग वैकिंग सब कर लिया, दे दो जल्दी से दे दो। ये बन रही है अभी खीर, मस्त खदक खदक के। और ये पकौड़ियों के लिए आलू कट चुके हैं। आज ना बहुत ज़्यादा एनर्जी लो सी लग रही है, क्योंकि कल मैं 4 बजे सोई थी जिसकी वजह से नींद नहीं पूरी हुई है, तो इसीलिए मैं अभी खाना वाना बना दूंगी भोग लगा के, उसके बाद जल्दी आज सो जाऊंगी, वीडियो जल्दी से एडिट करके डालना है, नहीं तो फिर मैं फिर अटक जाती हूँ, तो 1-2 बज जाता है और उसके बाद नींद नहीं पूरी होती है। और संडे तो निकल गया ऐसे ही, सैटरडे भी निकल गया ऐसे ही। देखो यहाँ के कनाडा के छोटे छोटे अखबार एक बार ऐसे दिखा दो, खोल के दिखाना, जैसे अपने इंडिया में आते हैं इतने बड़े बड़े अखबार आते हैं वो, जिनमें इतनी सारी न्यूज़ होती हैं, एड्स होते हैं, खबरें होती हैं। ये इतना छोटा सा अखबार है जो कि यही आते हैं, इसी को ही अगर अलमारी में बिछाना है या कुछ, ये तो जॉब बैंक जॉब न्यू हायरिंग वगैरह ये वाला है। और भोग की थाली लग चुकी है और भोग भी लग चुका है, अब बस है ना ये कितना ही सारा करते पकौड़ियाँ तली जा रही है, और अभी 8:30 हो गया है। ये सारा खाना, ये गई खीर, ये गया साबूदाना, ये गया कुट्टू का चावल की खिचड़ी जो कि लिक्विड सी रहती है थोड़ी सी, और ये पकौड़ियाँ तली जा रही हैं। अब ये खाना रेडी हो गया है एकदम, ये लो शोना, ये लो दिस इज फॉर यू। खाना आ गया। आपको पता है अभी तो 8:30 बज रहा है, इसीलिए मैं जल्दी काम निपटा रही हूँ ताकि जल्दी से ब्लॉग एडिट करके आप लोगों के लिए अपलोड कर पाऊँ। और आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मैं मिलूंगी कल नई वीडियो के साथ। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्वदी इज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।